गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज ऑफ क्लास 12th, दैट इज हॉर्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दिस इज आवर क्लास 12th टॉपिक इन आवर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं हाउ द हॉर्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दैट इज ड्यूरिंग द स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन। जिसमें हमने बात की है कौन कौन से हॉर्मोन्स आने वाले। सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द ग्लैंड दैट इज प्रेजेंट इन अवर ब्रेन, दैट नेम इज हाइपोथैलेमस। ये हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। दिस हाइपोथैलेमस ग्लैंड इज लोकेटेड इन अवर फोर ब्रेन एंड विच इज रिस्पॉन्सिबल टू रिलीज एन हॉर्मोन दैट नेम इज GnRH। दैट हॉर्मोन इज गोनाडोट्रोपिन। रिलीजिंग हॉर्मोन, this is a hormone that is known as gonadotropin releasing hormone. This gland release this hormone which act on the anterior pituitary gland. This gland is attached to this one. We read in our 11th class both these glands are attached to each other by the help of a duct, and we know that ki hypothalamus release this hormone to the anterior part of our pituitary gland. हमने पढ़ा है 11th क्लास में एंटीरियर लोब ऑफ आवर पिट्यूटरी इज रिस्पॉन्सिबल टू रिलीज ए लॉट ऑफ द हॉर्मोन्स, एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रिप्रोडक्शन पर्पस इट पार्ट्स रिलीज द टू बेसिकली हॉर्मोन, दैट इज द LH दैट इज नोन एज ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन एंड FSH दैट इज नोन एज फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हॉर्मोन। दिस ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन एक्ट ऑन द स्पेशल सेल ऑफ आवर सेरनिफेरस ट्यूब्यूल दैट इज नोन एज रेडिक सेल, जिनको हम इंटरस्टीशियल सेल भी बुलाते हैं। इट मीन्स दिस LH और वी कैन से ICSH इंटरस्टीशियल सेल स्टिम्युलेटिंग हॉर्मोन, जो कि एक्ट करता है इंटरस्टीशियल सेल पे, जिसका काम होता है मेल सेक्स हॉर्मोन को एक्टिवेट करना, और इनडायरेक्टली इट इज रिस्पॉन्सिबल टू अलाउ द स्पर्मेटोजेनेसिस मीन स्पर्म फॉर्मेशन। सेम एज यूजुअल फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हॉर्मोन एक्ट ऑन सर्टोली सेल एंड दी सर्टोली सेल्स विच इज रिस्पॉन्सिबल टू अलाउ द स्पर्मेटोजेनेसिस बाय प्रोवाइडिंग नरिशमेंट टू द स्पर्म, एंड दिस होल प्रोसेस इज नोन एज द नॉर्मल वन नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम ऑफ आवर हॉर्मोन्स एंड दैट रिस्पॉन्स टू मेंटेन द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट सिस्टम एंड अदर ऑर्गन्स नॉर्मल इन ए फंक्शनल मोड। But when the excess amount of testosterone hormones is present at the gonad region, that going to be inhibit this again our glands, that is anterior pituitary as well as hypothalamus. It means maximum amount of these hormones produce a positive feedback inhibition, that is for the anterior as well as for the hypothalamus. As usual, Sertoli cell produce a glycoprotein that name is inhibin, which also allow the, which stops the regulation of the anterior pituitary as well as the hypothalamus gland. By suppressing these glands, the stoppage of this hormone is controllable. That's why it's in a normal condition, it is known as negative feedback control of hormonal regulation. And this one is known as the positive one. There is the inhibition of gonadotropin and LH occurs by suppressing these two glands. And this one is whole one is known as hormonal control of our male human reproductive system.